I feel extremely sorry, for this news. It's a sad news. I knew him personally for a long time. He was a simple, straight, a man of integrity, care for employees. It was very high in his case, and he was a true Tata. He was so simple. I will tell you an example. I come from a place known as Hubli, and my college is BVB, College of Engineering. I said, sir, you should come once to my college. It means a lot to our students. I thought he will not come because he's number one, he's very busy. Second thing is a small town, whether he'll be able to make it or not. He did come, spend a day there. And that time I realized he's extremely simple, and all students, mobbed him, and he was never annoyed. जहां हम लोग आज नेताजी को याद कर रहे हैं, वहीं दूसरी दुखद खबर भी मिली है कि देश के बड़े कारोबारी उद्योगपति रतन टाटा जी भी हमारे बीच नहीं रहे हैं। एक ऐसे उद्योगपति जिन्होंने अपना और उस समूह ने देश की अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा योगदान दिया है। आजादी से पहले और आजादी के बाद से टाटा समूह ने बहुत बड़ा देश की आर्थिक स्थिति को सुधारने में और आर्थिक तरक्की के लिए बड़ा योगदान किया है। वहीं रतन टाटा जी से व्यक्तिगत रूप से भी हमारे कई बार मुलाकात हुई है। उनकी सोच और उनका विजन यही रहा है कि कारोबार करते समय असूलों के साथ कोई समझौता नहीं, उसूलों से कारोबार करने के लिए और अपने लाभ का समाज के कल्याण के लिए जिस तरीके से उन्होंने लाभ का पैसा लगाया है और लोगों का, आम लोगों का कल्याण कैसे हो, उस दिशा में एक उदाहरण पेश किया। ऐसे उद्योगपति को भी हम लोग याद करते हैं, रतन टाटा जी को। रतन टाटा का निधन एक दुखद घटना है। रतन टाटा साहब की इस देश के जो औद्योगिक विकास में एक महत्वपूर्ण योगदान था और उन्होंने पूरे औद्योगिक जगत को एक नई दिशा दी थी, आज उनके निधन से देश ने एक मशहूर और एक देश प्रेमी उद्योगपति को खो दिया। रतन टाटा जी ये एक बहुत ही सफल उद्योगपति तो थे ही, लेकिन उससे भी बड़े व्यक्ति के रूप में हम उनको देखते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से उन्होंने देश के लिए और समाज के लिए काम किया है, उन्होंने केवल सफल उद्योग नहीं खड़े किए, एक विश्वासार्हता खड़ी की, एक ऐसा ब्रांड खड़ा किया जिसने हमारे देश को एक ग्लोबल इमेज दी, और उसके साथ साथ अपनी संपत्ति को टाटा ट्रस्ट में विलीन करते हुए उन्होंने इस विश्वस्त व्यवस्था से, ट्रस्ट से, जिस प्रकार के फिलेंथ्रोफिक काम उन्होंने किए हैं, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चिकित्सा के क्षेत्र में हो, रिसर्च के क्षेत्र में हो, बुनियादी क्षेत्र में हो, समाज और देश के उपयोगी जो कार्य उन्होंने टाटा ट्रस्ट के माध्यम से किए हैं, मैं ऐसा मानता हूं कि जितने महत्वपूर्ण उनके उद्योग है उतने महत्वपूर्ण ये कार्य भी है। इसीलिए एक बहुत बड़े मन का व्यक्ति आज हमारे बीच से चला गया है, देश के लिए ये बहुत बड़ा नुकसान है। महान उद्योगपति, राष्ट्र सेवा और मानवता के लिए सदैव संवेदनशील और समर्पित व्यक्तित्व के धनी श्रीमान रतन टाटा अब हमारे बीच नहीं रहे। स्वर्गीय रतन टाटा का जीवन अपने आप में एक पूरे विश्वविद्यालय के समान है, जिन्होंने जीवन में बड़े सपने देखे और सपने नहीं देखे उनको पूरा करके भी देखा। और संवेदनशीलता तो ऐसी कि मोटरसाइकिल पे तीन चार बच्चों के साथ जाते हुए व्यक्ति को देखते हैं तो कल्पना करते हैं कि गरीबों को भी कार मिलना चाहिए। तो ये लखटकिया कार का स्वप्न देखा, एक लाख में कार मिलना चाहिए, और यशस्वी प्रधानमंत्री ने उनको जमीन उपलब्ध करा करके भारत में नैनो कार की भी उनके माध्यम से सौगात दी। ऐसी पुण्य आत्मा का हमारे बीच में से जाना, ये पूरे भारत के लिए, और भारत तो क्या, हमारे अपने, मैं मान के चलता हूं कि जिस प्रकार से उनकी शख्सियत है, ये सभी लोगों के लिए बहुत बड़ा दुखद क्षण है।
हमारे बीच में स्वर्गीय रतन टाटा नहीं रहे, वो जीवन के सब क्षेत्रों में जहां जिए उन्होंने अपनी एक छाप छोड़ी है, एक पहचान बनाई है। बाबा महाकाल से कामना करता हूं, उनको अपने चरणों में स्थान दें। ओम शांति। आई वुड रिमेम्बर हिम एज अ ह्यूमन बीइंग ऑफ ग्रेट डिसेंसी, ग्रेट इंस्पिरेशन, ग्रेट मॉरल कंपस एंड समवन हु लिव्ड हिज लाइफ विद सच करेज, विद सच फोर्टिट्यूड एंड विद सच लव फॉर द कंट्री and for every countryman, for every animal. I mean, I don't think there'll be another Ratan Tata, because he, you know, I'm sorry I'm getting emotional, but he was a different kind of man. I was blessed. I mean, I'm thanking the Lord that I even had the honor and the privilege of knowing him. But Ratan Tata strode like a colossus. He was a human being with great dignity, with great decency, and with utmost compassion. I mean, from being a fighter jet pilot to in July playing with my five-year-old daughter, you know, she was passing him Kit Kat and he was taking it. The love which he showered on me, on my family, on my wife Lakshmi. And I can't keep remembering, but there are innumerable anecdotes. It's not about what Ratan Tata achieved in business, that you and I know. But the man was something else, whether it was his staff, whether it was his dogs. You know, I've often said this about how he refused an invitation by King Charles, then Prince Charles, to go to Buckingham Palace to receive a lifetime achievement because Tito, one of his dogs, was unwell. That shows you character. Anamol. रत्न कहते हैं वो रहा नहीं, ये भारत का कोहिनूर हरपला, भारत का कोहिनूर रहा नहीं, हमसे बिछड़ गया है, ऐसा मैं कहूंगा। और रतन टाटा जी हमारे में नहीं रहे, ये बहुत ही वेदनादायी दुखद घटना है हमारे लिए, पूरे देश के लिए, पूरे देश का एक अभिमान था, हमारे महाराष्ट्र का भी अभिमान था। एक इतने बड़े ओहदे पर पहुंचने के बाद इतना सीधा साधा रहना, जमीन से जुड़ा रहना, ये बहुत कठिन काम वो करते थे। मैं जब मुख्यमंत्री बनने के बाद पहले उनके घर गया था, तब मैंने उनको देखा, मेरे से जो बात किया उन्होंने, जो इतनी इतना व्यक्तिमत्व जो है उनका, डाउन पर एक सीधा सादा रहना, मराठी में हम कहते हैं सादी रहनी उच्च विचार सर। और लाखों लोगों को उन्होंने उद्योजक बनाया, उनकी इंडस्ट्री बहुत पुरानी है और ऐसे टाटा कंपनी के वो सर्वे सर्वा थे। और आज मैं यही कहूँगा कि उनको देखकर लोगों में ऊर्जा आती थी, प्रेरणा आती थी, और वो हमारे महाराष्ट्र और हमारे भारत देश का अभिमान है। देश के लिए बहुत बड़ा नुकसान है, नॉट जस्ट फॉर कॉर्पोरेट इंडिया बट फॉर द कंट्री एज अ होल। आई थिंक द इम्पैक्ट ऑफ हिज वर्क इज क्वाइट अनपैरेलल्ड एंड आई थिंक वी शुड रिमेम्बर हिम थ्रू द रिचनेस ऑफ हिज वर्क। हमें कई बार मिलते थे सालों पहले, और हमें बहुत ज़्यादा सोबर थे, फ्रूगल थे और देश के हित में सोचते थे। देखिए, बहुत दुख की बात है क्योंकि रतन टाटा जिस प्रकार से वो है, उनकी धन रहा, उनकी संपत्ति रही, और जिस प्रकार से उन्होंने यह संपत्ति का अर्जन किया था उसमें वो दान भी अधिक से अधिक देते थे, लोगों का उपकार करते थे, बहुत ही सरल व्यक्ति थे और यह सोचते थे कि हमारे देश का जो संपत्ति है, हमारे देश के जो लोग हैं, उन लोगों को भी सहयोग करें और उनके सहयोग से बहुत कुछ है, लोग लाभान्वित होते थे। इस लाभ से लेकर के आज कोई भी ऐसा
कहने वाला नहीं है कि रतन टाटा में ये दोष रहा और ये पैसे जो कमाते थे, पैसे का जो अर्जन करते थे, वो केवल अपने संपत्ति को बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि वह ऐसा करते थे कि गरीबों को और बड़े अच्छे अच्छे स्थानों को वह दान देते थे। दान देने के बाद में उनको बड़ी सुकून और बहुत प्रसन्नता होती थी। ये बहुत ही दुखद घटना है, ये देश के लिए अपूर्णीय क्षति है और हम सब काफ़ी मर्माहत हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनके परिवार को इस दुख घड़ी में हिम्मत प्रदान करें और इस संकट से निकलने में मदद करें और भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें। उनके नाम जैसे ही वो अनमोल रतन अपने हिंदुस्तान के थे, एक समर्पण और उद्योगपति करके, जिन्हें हमेशा देश के हित के लिए उनके उद्योगों की शुरुआत की और अपने देश की जो शक्ति बढ़ाने का जो औद्योगिक विकास में उनका बड़ा योगदान है। ऐसे एक महान व्यक्ति मतलब जो जिनको भारत रत्न पुरस्कार से गौरवित किया गया था, ऐसे महान उद्योगपति आज हमारे में नहीं है। मैं उनकी आत्मा को चिर शांति प्राप्त हो, ऐसे मैं ईश्वर चरण प्रार्थना करता हूँ और मैं मेरे कांग्रेस पार्टी की तरफ से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। देश के उद्योग को कितना बड़ा नुकसान मानते हैं? एक समर्पित उद्योगपति, ये सबसे बड़ा उनको गौरव प्राप्त है, जो देश के हित के लिए अपने फायदे से कम अपने देश के और देश की जनता के फायदे के लिए काम करने वाले ऐसे उद्योगपति थे। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।